अस्सलाम वालेकुम। और बताओ तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैर होंगे। यार आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दरगाह आलिया आया हूँ, हज़रत दरगाह आलिया हज़रत बाबा मोहम्मद पीर पना, ये जो है अड्डा कमीर शरीफ है, कमीर शरीफ के करीब है। और अगर आप कमीर शरीफ, मेन कमीर शरीफ है उस साइड से साहिवाल है, अगर साहिवाल से आएँ तो तकरीबन कुछ 25-30 किलोमीटर, अगर वाला से आएँ तो कुछ 10 किलोमीटर करीब कमीर शरीफ है। और कमीर शरीफ के मेन बाज़ार से आप सीधा अंदर आएँ तो आगे से बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। आज की जो वीडियोस है, यहाँ पे मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ और मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाई है, बात अक्सर आपको मेरी वीडियोस से मिलेगी। लेकिन मुझे आज इनकी जो मैंने बातें, मतलब खूबसूरत इनके जो काम है, जो बातें थी और कितनी नेक शख्सियत थे, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ जिससे मुझे इंस्पायर किया कि मैं यहाँ की वीडियो बनाऊँ। वो वाक्य ऐसा है कि हज़रत बाबा मोहम्मद पीर पना जो है पेशे के अतबार से लोहार थे, तो ऐसा कहते हैं कि एक जो हिंदू लड़की है वो उनके पास आई, तो उन्होंने, मतलब वो बहुत खूबसूरत थी और हज़रत बाबा मोहम्मद पीर पना उनको देख रहे थे। और देखते देखते उन्होंने कहा कि आप बाबा जी, आपकी जो नज़र है उसमें फतूर है या वो सही नहीं है? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरी नज़र में कोई फतूर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम सच, वो मानी नहीं ना, तो उन्होंने कहा कि अगर आप तुम सच देखना चाहती तो मैं तुम्हें सच भी बता सकती हूँ। उन्होंने कहा वो कैसे? तो हज़रत बाबा मोहम्मद पीर पना एक सीसा पिघलाई जो लोहा था उसको मतलब पिघला रहे थे, वो उन्होंने अपनी आंखों में डाला और माशाल्लाह उनकी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ। तो देखने वाले, अब देखें कि इतना गर्म जो लोहा है, अगर आपके हाथ पे लग जाए या आपके जिस्म के किसी भी हिस्से से लग जाए तो पूरा का पूरा हिस्सा पिघल जाता है। तो आँखें कितनी नाजुक चीज़ है, और उन्होंने वो आँखों में डाल लिया और उनकी आँखों को कुछ भी नहीं हुआ। उनकी आंखें सेम ऐसे थी जैसे सीसा पिघलाई से पहले थी। तो जैसे सुरमा हम डालते हैं, आपने देखा होगा पूरा वो अंदर तक जाता है, इसी तरह सेम उन्होंने सीसा वो डाला और कुछ भी नहीं हुआ। और देखने वाले हैरान थे, और वो हिंदू लड़की वाकई मान गई कि बिल्कुल आपकी नज़र में फतूर नहीं था। तो ऐसे उनके बहुत से वाक़यात हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत नेक शख्सियत थे। यहाँ के जो चाहने वाले हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको बहुत मानते हैं। और भी इनके बहुत से वाक़यात हैं, पहले वीडियो देखते हैं उसके बाद फिर एक दो और वाक़यात हैं, मैं उनको शेयर करूँगा। इनका जो, अगर कोई यहाँ पे विज़िट करना चाहता है तो जो रोड का जो मैप है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, ताकि अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आए तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनको बता दूंगा। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत नेक शख्सियत थे। और तो यार ये जो सारा का सारा आप देख रहे हैं, ये हज़रत बाबा मोहम्मद पीर पना की दरगाह आलिया है। और ये सामने जो है इनकी जो हज़रत माई साहिबा का मज़ार, उनकी वाइफ थी, और ये हज़रत बाबा पीर मोहम्मद पना का मज़ार है। और बहुत खूबसूरत मज़ार बना है, पहले मैं काफ़ी आया था तो मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो माशाल्लाह 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 बहुत ही खूबसूरत मज़ार बन गया। और आप देख सकते हैं सामने मस्जिद है, और ये कुछ पुराना एरिया है, यहाँ पे वो दिए वगैरह जलाते हैं लोग। सामने कुछ कमरे वगैरह हैं महकमा औकाफ के, ये सहन है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। सामने वुज़ू की जगह है, वुज़ू के बिल्कुल सामने जो है आपको वॉशरूम वगैरह मिलेंगे।
और बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी दरगाह बनी हुई है और यहाँ के चाहने वाले बहुत मानते हैं, ये आप देख सकती हैं। इंशाल्लाह यार नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Thank you.
तो यार कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वैसे भी इतनी नेक हस्ती हैं, अगर आप शेयर करेंगे वीडियो को, तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कुछ लोग शायद इस वीडियो से हज़रत बाबा मोहम्मद पीर पनाह से इंस्पायर हो सकें, क्योंकि ये इस्लाम के बहुत बड़े पैरोकार थे, बहुत नेक बंदे थे। और जितनी भी हम बातें सुनते हैं नेक बंदों की, इन्होंने भी इस्लाम के लिए बहुत कुछ किया है। इनसे हम लोग बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी हैं जिनसे हम बहुत कुछ सबक हासिल कर सकते हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ही, अगर मैं पाकपतन गया था, अगर आप वहाँ की वीडियो देखना चाहते हैं, व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, तो प्लीज़ सिर्फ 5000 लाइक्स हैं, फिर इंशाल्लाह ज़रूर जो है पाकपतन शरीफ जाऊँगा और वहाँ की वीडियो, या कोई भी पंजाब, फिलहाल तो पंजाब ही हूँ, अगर कोई भी आप वीडियो देखना चाहते हो मैं ज़रूर आप लोग के लिए जाऊँगा। लेकिन अगर 5000 लाइक हुए तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने गिरा।